गाइस हमारे साथ धोखा हो चुका है। स्कूल जैसे ही हम पहुँचे तो हमने जैसे हम गेट पे पहुँचे वहाँ फिर हमें छुट्टी दे दी। फिर हम घर अब मैं अपने पापा के साथ बैठ गए यहाँ। हम मम्मा को बताएंगे कि ना स्कूल आज लेट हो गए हम और उन्होंने गेट बंद कर दिया। गेट हमें आने नहीं दिया। डेली मैं स्कूल छोड़ने जाता हूँ अपने बेटे को और आज पता चला स्कूल में जाकर के कि गेट पे के सभी लोग बच्चे वापस जा रहे थे। क्यों? क्योंकि जो है स्कूल की ना छुट्टी थी। तो अब देखते हैं अंदर का ड्रामा हमारे घर का कि क्या क्या होता है। वो लोग मेरे ऊपर ब्लेम डालेंगे, हम लोग उन्हें ये दिखाएंगे कि ना स्कूल के लिए लेट हो गए थे। क्या हुआ पूछ ले इससे? क्या हुआ बता नहीं रहा हूँ। बता नहीं रहा हूँ और देर करती। मैंने तो इतनी जल्दी जल्दी करती थी ये छुट्टी भी। कपड़े उतार ले अब। हुआ क्या? लेट हो गए। ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने तो जल्दी में लेट हो गए। गेट बंद हो चुका है। ऐसा नहीं मेरे साथ तो लेट में आज ही नहीं तो करेक्ट 7:30 बजे भी आते थे। तो हम लक्ष्य में आओगे ना? बोलते था कि आज यहाँ जाने भेजा भाई और दिन ये थोड़ा नीचे जल्दी आता था। छुट्टी तो नहीं थी सबसे छोटा। छुट्टी नहीं थी। छुट्टी छोटा। अरे छुट्टी नहीं थी यार, बेकार की बात। कौन करने मैडम अपने? मैं सुबह से इसको उठाती हूँ ना कि सिद्धांत जल्दी उठ जा, जल्दी उठ जा। अब नाचता रही हो इधर उधर। पहले तो लेट करता रहेगा। आज इसका पैर बांध दे पलंग पे और वहां बैठा दे इसे। अपना लंच खा लो। लंच दो दो बार खाएगा। सुबह खा के नहीं गया। पहले ठंड नहीं। वो उससे बोल लेता कि एक दिन रिक्वेस्ट कर लेता, हम कभी लेट करते नहीं। और भी तो 4-5 बच्चों को वापस कर दिया। गए देखा सब लोग ये सोच रहे कि अब लेट हो गए। अभी तो डांटना शुरू नहीं करा है। आज हम पूरे दिन जो है मम्मा को ऐसे पागल बना देंगे तब तक हम असली ठीक हम असली रिकॉर्डिंग करेंगे जिसमें वो डांटती रहेगी पूरे दिन। तेरे को मैंने उठाया था सिद्धांत, उठ जा। लेकिन ये पता क्या करता है? जाएगा बेड पे, पहले तो 5 मिनट तक 10 मिनट तक अंगड़ाई में लग जाएगा, उसके बाद सोचेगा कुछ की कुछ मैं करता हूँ। ठीक है ना? वैसे लेट हो करेगी, मेरे पास तो तेरे लिए टाइम है नहीं। गाइस देखा अभी आपने सिद्धार्थ को तो थोड़ी सी डांट पड़ गई है, अब बारी आई मेरी। अभी पूरा दिन यही सिलसिला चलता रहेगा, हम पूरे दिन नहीं बताने वाले कि क्या सीन है। और सिद्धांत को मैं कहूँगा कि सिद्धार्थ आज बहुत मस्ती कर, बहुत मजे कर, ताकि जो है मम्मा गुस्सा हो जाए बहुत ज़्यादा। और वैसे गुस्सा दिलाता तो और मेरे पापा को भी बताऊंगी। क्या क्या नींद पूरी नहीं होती, नींद कभी पूरी नहीं होती, सब कुछ मैं ही करूँ, मैं ही देखूँ, बच्चे की पढ़ाई भी मैं करूँ, मैं बच्चे को रेडी भी मैं करूँ, सब कुछ मैं करूँ, लेकिन हाथ से उठा नहीं जाता। मतलब चालू हो गई अब तू? 10 जब देखो पहले ही 5 मिनट 10 मिनट पहले ही बोल देती हूँ कि उठ जाओ टाइम से उठ जाओ, भाई लेट हो रही है। पेपर चल रहा है पता है मुझे, वहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगता है? 2 मिनट ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट, लेकिन बाकी टाइम तो यहीं था ना। उठने में तो 10 मिनट लगते हैं ना, जाने में तो मुझे भी पता है कितना टाइम लगता है। अपनी गलती ना कभी इंसान मानता नहीं है, यही हाल है तुम्हारे। हाँ पेंसिल ना इतनी छोटी हो रखी है ना, इससे ज्यादा छोटी नहीं होनी चाहिए, समझ गया? डेली डेली कोई पेंसिल नहीं दिलाएगा तेरे को। देखा गाइस चालू हो गई थी ना,
और अब हम सोच रहे हैं ज्यादा देर तक हम पे कंट्रोल नहीं होगा, अब हम बता ही देते हैं कि आज तो छुट्टी थी और ये क्या था, प्रैंक। हमने प्रैंक कर दिया उल्टा की मम्मी के साथ। तो अब क्या है, अब ये बुलाएगा और बुला करके वहाँ बोलेगा कि मम्मा मैं चल गया, सारी बात बता दूंगा कि क्या क्या हुआ। बुला क्या बोलते हैं, मैंने आपके साथ प्रैंक किया। कैसा प्रैंक? नहीं मम्मी को यकीन ही नहीं होगा बेटा, यकीन ही नहीं होगा। झूठ मत बोल। प्रैंक किया। मुझे पता है लेट पहुंचा। झूठ अगर सीधा झूठ टिकलाना तो देख लियो, फिर मैं मारूंगी बहुत ज्यादा। हाँ पूछ लो। चार्जर से मारूंगी, चार्जर की तार से। सच में छुट्टी थी आज, सारे बच्चे वापस जा रहे हैं। हमने सोचा कि रास्ते में मुझे क्या पता, हमने सोचा कि रास्ते में सब लोग वापस क्यों जा रहे हैं, फिर भी हम गेट तक गए। गेट पे जाने के बाद हमने देखा तो वॉचमैन कह रहा आज छुट्टी है। हमने बोला बोलो क्यों, बोला मैसेज आ जाएगा। बाबू की डाइट ठीक हो गई? नहीं हुई अभी। बाबू हमारा यहाँ पे हमारा ही वीडियो देख रहा है, लेटेस्ट वाला जो अभी कल ही डाला था।